अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एआर व्लॉग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम बाद हम अपने चैनल पे वीडियो बना रहे हैं। दूसरा जो चैनल था मेरा गोला कबूतर टीवी के नाम से, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें थोड़ा मसला आ गया, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैंने नया चैनल बना लिया एआर व्लॉग के नाम से इंशाल्लाह। अब इस पर यानी कि एक मखसूस वीडियो नहीं आई करेंगी, इसमें कबूतरों की वीडियो, परिंदे की वीडियो, जो भी है अपना व्लॉग वगैरह जहाँ जा रहे हैं एक्स वाई जेड, मतलब सारी तमाम वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करा करूँगा। और जो गोला कबूतर टीवी के नाम से जो मेरा चैनल था वो भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं डिलीट कर दूँगा उसको। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो चैनल यानी कि यूज़ करना छोड़ दिया। फ़िलहाल रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ उसके ऊपर इंशाल्लाह। जितने भी व्लॉग होंगे, जितनी भी वीडियो होंगी सीज़न के अंदर, सारी इंशाल्लाह आपको ये मेरा एआर व्लॉग के नाम से जो चैनल बनाया है इंशाल्लाह इसमें मिलेंगी आपको। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जो खरीदे और मैंने कितने कबूतर हटा दिए और कबूतर कुरिश में बैठे हुए, तो इंशाल्लाह मैं आपको सारे दिखाता हूँ। नवान थोड़ा दाना डालना है बस, देखें भाई दोस्तों कबूतरबाजी के ऊपर इतना ध्यान नहीं है अभी फ़िलहाल। सारे कबूतर मेरे कुरिश में बैठे हुए, देखें भाई घाघरा चेक कर सकते हैं। इसमें सारे कबूतर काफ़ी सारे थे मेरे पास, जिसमें 80 या 90 कबूतर थे, मैंने 40 कबूतर हटा दिए हैं इसमें से। और अभी ये मेरे ख्याल में 40 से ऊपर कबूतर हैं, कुछ कबूतर इसमें पकड़े हुए और कुछ कबूतर मेरे घर के पट्टे निकले हुए इसमें। और जो मुझे मेरे अच्छे कबूतर थे मैंने रोक लिए थे भाई, जो साफ़ सीधी बात है सीज़न के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है सीज़न में, हो सकता है शौक़ ख़त्म भी कर दें हम, और हो सकता है कि भाई और कबूतर भी लेकर आ जाएँ, कुछ पता नहीं है मूड के ऊपर है। तो ये देखें भाई दोस्तों काफ़ी सारे कबूतर इसमें पकड़े हैं हमारे शहजाद भाई ने, मैं आपको गिनवा देता हूँ। जैसे एक ये काला पट्टा घूम रहा है बीच के अंदर, ये पकड़ा हुआ है, एक ये पुट्टेदार है, दो तीन कबूतर कहीं से आए हुए कबूतर अभी तैयारी पे हैं, मेरे ख्याल में 9वीं 10वीं लगाए हुए कबूतर। ये देखें भाई कम से कम 2 महीने 1 महीने लगेगा। तो हमारे शहजाद उस साथ खड़े हैं भाई, इनसे पूछ लेते हैं कि दाना कौन सा कबूतर को खिलाना चाहिए सीज़न यानी कि जब बैठक हो जाती है कबूतर की पड़ झाड़ के अंदर। इनको काफ़ी सारी अच्छी मालूमात भी है कावली कबूतर के हिसाब से और गोला कबूतर के हिसाब से। तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं भाई कि आप कौन सा कबूतरों को दाना खिलाते हैं जिससे क्रूज में कबूतर जल्दी पाको, अच्छा पर निकाले। तो शहजाद भाई से पूछते हैं इंशाल्लाह। तो भाई दोस्तों शहजाद भाई तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अभी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कहीं जा रहा हूँ और मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके अंदर 5 या 4 दाने मिक्स हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं भाई, कटर मकई है, गंदुम है, लाल चावल है और सरसों है और बाजरा है। मतलब 20 किलो का फार्मूला बनता है, 2-2 किलो 1-1 किलो ये सब चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और 10 किलो के करीब बाजरा हो। तो ये सारी चीज़ें मिला के इंशाल्लाह अपने कबूतरों को खिलाएं बैठक के अंदर, तो इंशाल्लाह इससे कबूतर आपका झाड़ में भी अच्छा रहेगा और ताकत में भी रहेगा, इंशाल्लाह पर वगैरह सही निकालेगा। अभी देख सकते हैं हमारे कबूतर झाड़ में बैठे हैं और मैं इंशाल्लाह इनको 3 या 4 महीने से बाजरा खिला रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी 2 महीने जो रहेगा इंशाल्लाह ये एक बाजरा खिलाऊंगा। ये देखें भाई सारा बाजरा देख सकते हैं भाई, और कबूतर भाई झाड़ में फुल झाड़ में आएगा कबूतर, ये देखें। काफ़ी ऐसे कबूतर भी मेरे पुराने हैं इसके अंदर और काफ़ी नए कबूतर भी हैं, ये पट्टे वगैरह जो हैं पकड़े हुए हैं कुछ, और कुछ घर के पट्टे हैं। भाई कोशिश क्या करेंगे, झाड़ के अंदर कबूतर बैठा हुआ है तो 2-4 चिकना हो, सादे चिकना हो, बादाम वाले चिकना हो, इनको देते रहें जिससे कबूतर ताकत में रहेगा, इंशाल्लाह बीमारी भी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने जाल वगैरह साफ़ रखे हुए थे, अभी कुछ टाइम हो गया, 1 हफ़्ता हो गया मेरे ख्याल में हमने जाल साफ़ नहीं करा, तो कबूतर अभी बीमार भी नहीं हुए अल्लाह का शुक्र है। कोई कबूतर नहीं, एक कबूतर मेरा बीमार पड़ा हुआ है जो हमने अभी सही कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दुम वगैरह काट दी थी, ट्रीटमेंट चल रहा है भाई इसका, अभी देखें इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाजमी भाई को सपोर्ट करिएगा क्योंकि नया चैनल है, सही है ये। इंशाल्लाह जो भी वीडियो आएगी एआर व्लॉग के नाम से जो चैनल बनाया है मैंने नया, अब सारी वीडियोज़ पर आएंगे इंशाल्लाह ना चाहता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दुआ मेरी वीडियो पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक दफ़ा फिर आपसे बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह नया चैनल है, सारी वीडियो इसके ऊपर आएंगी, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।